नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूरोथेरेपी प्राचीन उपचार रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर में। मेरा नाम है नीरज शर्मा, मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ नई दिल्ली के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं पेट में गैस जो बनती है उसके बारे में, कितना सच बोला जाता है और कितना झूठ उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि बिना किसी दवाई, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट और बिना किसी मशीन के आप न्यूरोथेरेपी द्वारा कैसे गैस की समस्या से परमानेंटली निजात पा सकते हैं। हम वीडियोस के अंदर बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, मैं आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा इसके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बोले जाने वाले झूठ हैं गैस के बारे में, वो सबसे पहला है पेट में दर्द होना। अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गैस बन रही है। हो सकता है कई दफ़ा पथरी का दर्द होता है, कई दफ़ा पेट में स्वेलिंग हो जाती है उस वजह से दर्द होता है, लीवर अगर बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, मतलब कि आप बहुत चिकना खाना बार बार खा रहे हैं और लीवर पे बहुत ज़्यादा लोड है तो ऐसे में भी दर्द होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो पेट का दर्द है वो गैस का ही दर्द है, ऐसा नहीं होता है। पेट का टाइट हो जाना, कुछ लोगों का पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैस का सिम्टम्स है, मतलब कि आपको गैस बन रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेट का टाइट होना नले हो जाते हैं उसको कहा जाता है और इसका इलाज हमारे यहाँ पर भी होता है। इसके अलावा डकार आना, कुछ लोगों को डकार बार बार आती है तो उनको लगता है कि मेरे पेट में शायद गैस बन रही है और बहुत ज़्यादा उस पर बन रही है, स्तर पर बन रही है, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि अगर आपको डकार बार बार आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई गैस की प्रॉब्लम हो गई है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि कभी कोई दवाइयां खा रहे हैं या कुछ अलग से इनो टाइप का कुछ चीज़ें ले रहे हैं, तो वो लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कब्ज़ होना, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो उनको लगता है कि शायद ये गैस की प्रॉब्लम है इस वजह से ऐसा हो रहा है, मगर ये बिल्कुल ही झूठ है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है, आप फाइबर वाला खाना खाते हैं तो उससे वो ठीक हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। दस्त होना या पेट का ख़राब होना, कुछ लोगों को लगता है कि उनको लूज़ मोशन हो गए हैं तो ये गैस की प्रॉब्लम की वजह से हुआ है, मगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब दस्त होते हैं तो ये एक बिल्कुल अलग तरीके का सिम्टम्स होता है, गैस होने पर बिल्कुल अलग तरीके का सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे पहचाने कि आपको गैस की प्रॉब्लम होने वाली है या आपको सच में गैस की प्रॉब्लम है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको गैस बनती है, या आपको गैस की प्रॉब्लम होने वाली है उसको आप कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले बार बार गैस का पास होना, अगर आपको बार बार यही समस्या आती है ज़रूरत से ज़्यादा तो हो सकता है कि आपको गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो या फिर स्टार्ट होने वाली हो। पेट में तेज़ दर्द होना, अगर आपको लगता है कि अचानक से ही पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो गैस का दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेट में मरोड़ आना, आपको लगेगा कि जैसे पेट को किसी ने पकड़ के मरोड़ दिया है दोनों हाथों से, तो ये भी गैस का सिम्टम्स है। इससे आपको पता लगा सकते हैं कि आपके पेट में ज़रूरत से ज़्यादा गैस बन रही है। पेट का फूलना, जब आप कई दफ़ा देखते होंगे कि पेट अचानक से नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो भी गैस बन सकती है, आपको इस टाइम पर बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा पेट का जो दर्द है वो इधर उधर घूमना, मतलब आपको पेट में दर्द तो हो रहा है मगर एक जगह पे ना रुक करके वो दर्द कभी दूसरी दिशा में जाता है, कभी पहली दिशा में आता है, तो ये भी गैस का ही दर्द है। तो आप इस तरीके से इसको पता लगवा सकते हैं कि आपको गैस की प्रॉब्लम है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम बार बार बनती है तो आप कुछ घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके हाथों हाथ रिलीफ ले सकते हैं, वो भी थोड़ी बहुत देर के लिए, परमानेंट ये सलूशन नहीं है। सबसे पहला है अजवाइन, मद्रासी अजवाइन आती है, काली अजवाइन भी उसको बोलते हैं, आप वो आधा चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं तो आपको पेट दर्द में रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा आप पुदीना या पुदीन हरा ले सकते हैं, उसमें अगर आप उसको लेते हैं तो गैस से काफ़ी हद तक आपको टेम्प्रेरी आराम मिल जाएगा। दही आप ले सकते हैं, अगर आप दही नहीं ले सकते हैं रोज़ तो प्रोबायोटिक्स आता है जैसे याकूट वगैरह, आप उसको ले सकते हैं जिससे आपका पेट, आपका स्टमक हेल्दी रहेगा और गैस बनने की जो प्रॉब्लम है वो आपको कभी भी नहीं होगी। एक घरेलू इलाज इसमें और है, गर्म पानी की सिकाई, अगर आप एक बोतल आती है रबड़ की वो आप ले लीजिए और
जिस एरिया में आपको दर्द है उस एरिया में रखें, क्योंकि वो अंदर जब आप गर्म पानी की सिकाई करते हैं तो अंदर जो ऐंठन है, जो आपकी आंतों में जो ऐंठन है, वो उसको रिलीज़ कर देता है, नरम कर देता है, जिससे वो दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर स्टमक में आपको दर्द बना ही रहता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उन्हें पूरी बात बताएं। आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन से चेकअप करवाने चाहिए। और अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, न्यूरोथेरेपी पे। अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी दर्द के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप ठीक होना चाहते हैं और गैस की जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट ठीक करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं। यहाँ पर हम बिना किसी दवाई के, बिना किसी दर्द के आपको ठीक करते हैं। और गैस की प्रॉब्लम के साथ साथ जितनी भी बीमारियाँ हैं, कॉन्स्टिपेशन, दस्त और जितनी भी बीमारियाँ हैं किसी भी उम्र की, हम उसको भी यहाँ पर ठीक करते हैं। जब आप पहले दिन हमारे यहाँ पर आते हैं तो पहले ही दिन आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बात कोई भी समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।